आर्थिक संकट से जूझ रही कमलनाथ सरकार के खजाने में फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में निरीह बेबस लाचार शिक्षकों की मांगे कैसे पूरी की जाएं? ये प्रश्न सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा है और इसका जवाब फिलहाल कमलनाथ सरकार के पास नहीं है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के जिले में अतिथि विद्वानों का लात जूतों से स्वागत किया जाएगा। परमिशन है, हमें परमिशन नहीं है, क्या न्याय है ये? पहले क्या आना था? चल रहे हम क्या आशा? धक्के मार के बाहर कर, धक्के मार, धक्के मार के बाहर कर, धक्के मार, धक्के मार के बाहर कर, धक्के मार। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में प्रदेश की उच्च शिक्षा को वर्षों से पोषित करने वाले अतिथि विद्वानों पर जिला प्रशासन ने जमकर लात घूंसे चलाए। उल्लेखनीय है कि अपनी नौकरी बचाने अंतिम लड़ाई लड़ रहे अतिथि विद्वानों को कल रात नजरबंद कर दिया गया था। सुबह से ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे शिक्षकों पर जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया था। मंगलवार को दोपहर 12 बजे बस से अतिथि विद्वानों को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। बचते बचाते अतिथि विद्वान शाम को जब छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को घेरते हुए उन पर आरोप लगाया और ऐसे व्यवहार से दुखी भी दिखे। हम लिखित में देने तैयार हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से छिंदवाड़ा जा रहे हैं। आपको छिंदवाड़ा बात मत करो, जो हो सकता है उससे बात करिए। ये आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? अब इन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले जाएंगे, हमको कुछ नहीं पता है। हम को भूखे प्यासे रखा है इन्होंने यहाँ पर जेल बनाकर। और जिस सरकार की स्थापना गांधीवादी तरीके से हुई थी, कांग्रेस की स्थापना गांधीवादी तरीके से हुई थी, उसी गांधीवादी तरीकों का आज यहाँ पर हनन किया गया है। हमें छिंदवाड़ा में प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, सभा करने के लिए अनुमति तक नहीं प्रदान की। सर, ये पाँच लोग का क्या था? पाँच लोग जो ले जा रहे थे क्या था? हाँ, हमने ये मांग करी थी कि आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो हमारा एक पाँच लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय कलेक्टर साहब के पास ले जाए आप, जिससे कि हम अपनी बात रख सकें कि हमको परमिशन दी जाए। उसको भी प्रशासन ने नहीं माना और मजबूरन हमको ये कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे, हमें नहीं पता है। लेकिन हम तो अपने उस पे सिद्धांत पे अड़िग हैं और कहीं ना कहीं हम लोग पुनः जो है इन पर कहेंगे कि हमको जो है परमिशन दी जाए, जिससे कि हम पुनः जो है यहाँ पर अपनी मांगों को रख सकें। हम लोग मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वान आज यहाँ पे छिंदवाड़ा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के यहाँ उनके द्वार पे हैं। पर हम लोगों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को प्रशासन ने अरेस्ट किया, हमारे आधे साथी बाहर हैं। हम लोग अपनी बात से रखने ही आए थे, क्योंकि वचन पत्र में हमारी बात थी। पर आज कहीं ना कहीं हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारे साथी निरंतर बाहर होते जा रहे हैं। आज सुबह से शाम तक हम लोगों ने ना पानी पिए, ना कुछ खाए, दिन भर परेशान रहे, पर हम लोग अपनी बात शासन तक पहुंचा नहीं पा रहे और शासन ने हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। ये अति निंदनीय है, इसकी हम लोग सब निंदा करते हैं। हम लोग छिंदवाड़ा की इस धरती पर माननीय कमलनाथ जी, जो कि एक दयालु मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनसे न्याय की गुहार के लिए हम लोग सारे अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश के आए हुए हैं। हमने कल सिमरिया हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रार्थना की और वहां से पैदल मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने हमें बर्बरतापूर्वक रोक दिया। आज यह स्थिति है कि हमारे साथी दिन भर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें चाय दुकान पर भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। जबकि कमलनाथ जी चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में उन्होंने ये बात लिखवाई थी कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में जो वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वान हैं उन्हें नियमित किया जाएगा, उनके नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन बार बार उनके अनेकों जगह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि कोई भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं होगा,
विगत 5 दिन पूर्व PSC से चयन सूची जारी कर दी गई है, अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है और हमारे साथी बाहर हो गए हैं। 20-25 वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वान अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे, इसी बात को लेकर हम छिंदवाड़ा आए थे। लेकिन छिंदवाड़ा आने के बाद हमें अनुभव हुआ कि हम न्याय के देवता और यशस्वी मुख्यमंत्री के शहर में बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। हमारे ऊपर प्रशासनिक अत्याचार किया जा रहा है, हमारे साथियों को एकजुट खड़े नहीं होने दिया जा रहा है और जो साथी यहाँ थे उन्हें बसों में बैठा कर बाहर, अभी सुनने मिला है कि हमारे कुछ साथियों को पिपरिया तक छोड़ दिया गया है, अलग अलग किसी को सिवनी छोड़ा गया, अलग अलग शहरों में छोड़ा गया है।